वेलकम बैक टू व्लॉग। भाई साहब आ चुके हैं और नया मोटो व्लॉग लेके आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो भाई अभी बज गए हैं शाम के 6 और निकले एक छोटी सी राइड पे। अभी मेरा कोई फिक्स प्लान नहीं है कि कहाँ पे जा रहे हैं, बट देखते हैं कहाँ पे जाने, क्योंकि अभी मुझे भी कुछ है ना सूझ नहीं रहा है कि किधर जाएँ। बट लेट्स गो, बहुत दिन बाद व्लॉग बनाए निकले। मैंने यार कोई और प्रोजेक्ट में ना बहुत बिजी था, मतलब कि ना अलग सा ही, मतलब एक बहुत तगड़ी चीज़ आ रही है, सो उसके लिए ना मतलब वेट कर लेना। बस मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बोलूँगा, बस थोड़ा वेट कर लेना। पेट्रोल डालना था बट मेरे पे पैसे ही नहीं है, तो देखते हैं कहाँ तक चलती है अपनी गाड़ी। थोड़ा एंगल ठीक कर लूँ। ओके ओके लेट्स गो गाइस। कैमरा एंगल वगैरह तो बढ़िया है, बस होप करते हैं कि माइक वगैरह भी अच्छे से लगा रहे। एंड अभी चलते हैं थोड़ा आगे तक। तो भाई अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं अपने चेक पोस्ट के साइड। भाई अंकल कहाँ पे ला रहे हैं गाड़ी? भाई काट तो लेते बट ठीक है यार, अपनी गाड़ी में ब्रेक भी नहीं है और स्पीड भी नहीं पकड़ती है, तो मतलब इजीली चल सकता है। और यार मैंने ना लिटरली कह रहा हूँ, मैं जो प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ और उसके साथ है ना कुछ चैनल के लिए, वीडियोस के लिए, यूट्यूब के लिए मैंने बहुत सारे ना प्लान आउट्स करके रखे हैं। भाई कहाँ डाल रहे हैं गाड़ी? ना इंडिकेटर। अच्छा वही कह रहा हूँ, हमारे घोड़े चाचा यहाँ ठहरे हुए हैं, वही मैं सीधे ना इधर ले रहा है। भाई बंदा गाड़ी नहीं दिखा रहा, हाथ नहीं दे रहा इंडिकेटर, बट ठीक है यार। सो चैनल के लिए वगैरह बहुत कुछ मैं करने वाला हूँ, बस इतना मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए, बस उसी में लगा था मैं। और बीच में लैपटॉप भी ख़राब हो गया था, शायद आप इस व्लॉग या इस व्लॉग के आगे पीछे में आपको है ना वो मिनी व्लॉग्स भी दो चार दिख जाएंगे। और यार मेन बात है ना, मैं गया था अजमेर और उसका व्लॉग अभी तक नहीं आया, आके मुझे 10 से 15 दिन हो गए। बट लिटरली सॉरी यार, व्लॉग बना ही नहीं पाया मुझे टाइम, मतलब उसको एडिट भी नहीं कर पा रहा हूँ। पता है मेरा ना लैपटॉप ख़राब हो गया, आते ही आके उसको बनाया, फिर पूरे फाइल्स डिलीट हो गए थे। अभी कैसे तैसे करके रिकवर आज ही हुए हैं, सो आज है ना देखते हैं पहले कौन सा एडिट करूँगा, एडिट वगैरह करके डाल देंगे वो भी, डोंट यू वरी। लेट्स गो, अभी हम पहुँच चुके हैं चेक पोस्ट और हर बार मैं उधर जाता था, इस बार अपन इधर जाएंगे। और यार 75 सेकेंड कुछ कम नहीं है ज़्यादा का। और यस गाइस, मेरा ना एक नया प्लान बनाया कि है ना मैं जाऊँगा, जो मैं कह रहा था आपको कि मैंने सबसे पहले भोजगा लिख तो आपको दिखा दिया है, अब मैं कोटनूर जाऊंगा और एक बार हरसूल दिखाना है यार, मेन तो मुझे हरसूल दिखाना है। तो बस उसी का ही प्लान बन रहा है, जैसे हम भाई जैसे ही फ्री होते हैं उनके साथ जाएंगे, बढ़िया सा व्लॉग बनाएंगे। अभी काटते हैं अपना राइट एंड निकल पड़ते हैं। ओए 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 भाई कहाँ डाल रहे हो? ओके लेट्स गो लेट्स गो गाइस। यहाँ पे है ना बहुत ट्रैफिक होता है यार, मतलब देख के चलना पड़ता है यहाँ पे, और हम नहीं चाहते बेफालतू का सीन। एंड एक काम करते हैं, थोड़ा भगाते हैं यार पूरा। तो भाई टच हो चुकी है 360। भाई मुझे नीचे स्पीडोमीटर नहीं दिख रहा है बट है ना मजा तो आएगा, तो मेरे भी टच हो गया होगा। सो यस गाइस, जल्दी है ना बाइक का प्लान चल रहा है, बाइक लेंगे और गोप्रो लेंगे और उससे कुछ नेक्स्ट लेवल वाले ब्लॉग लाएंगे। एंड आज है ना मैं पूरी प्रिकॉशन लेके है ना बात कर रहा हूँ, पूरा प्रिकॉशन के साथ वीडियो बना रहा हूँ। पता है मैं ना माइक के पास है ना अपना ये जो लेफ्ट आपको हाथ में दिख रहा है ना, ये हाथ है ना मैंने माइक के पास रख दिया, जैसे कि ना बाहर से ना हवा का वगैरह आवाज़ आए और मेरा ही सही से रिकॉर्ड हो। लेट्स गो, ये अपना ट्रक टर्मिनल में भी दिख रहा है मुझे। एंड यार शाम तो अपनी शाम है यार गुलबगा में। और भाई मेरा प्लान यहाँ पे नहीं था यार, मुझे और सिटी के अंदर एक्सप्लोर करना है, बट है ना जिनको पता है उनको पता है।
भाई। हाँ भाई, सो यस गाइस, मैं कह रहा था जिनको पता है उनको पता है कि ना मैं सिटी वगैरह में ज़्यादा राइड क्यों नहीं करता हूँ। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके ना सबको समझा देना। एंड ओके, थोड़ा और भगाते भाई, मुझे डर रहा है पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि मतलब नहीं यार पेट्रोल मुझे याद नहीं कि मैं कितने दिन पहले डाला था, 3 या 4 दिन पहले पेट्रोल डाला हूँ। तो यार ज़्यादा दूर भी नहीं जाते हैं, बस थोड़ा है ना यहीं से काट लेते हैं आगे से। किसी साल की सोते साल से तेरे शहर में है भाई, पूरा इंस्टाग्राम रील्स में हर जगह शॉर्ट्स में एक ही गाना चल रहा है, तेरे शहर में है कब अजरा साहब का छोरी गई साहब का गड आर पार का। और यस गाइस, यहाँ से आते हैं अपने एहतिशाम भाई का घर, जो कि मुझे अभी नहीं जाना है, मुझे आगे से राइट लेना है। बट पता नहीं मैं कैसे काट पाऊँगा गाड़ी यार, इतनी धूम मची है यहाँ पे बड़े ट्रक्स की, आई लिटरली डोंट नो। हाँ भाई, थोड़ी सी जगह दे दो गाइस। लेट्स गो गाइस, भाई। और पता है यार, मैं कुछ है ना, जब से मेरा कॉलेज एंड हो चुका है उससे ना मैं मतलब ज़्यादा कोई ना बाइक स्कूटी राइड नहीं कर रहा हूँ। तो यार अपनी रैश राइडिंग और जितना भी राइडिंग से ऊपर हाथ बैठा था ना, बिल्कुल लुट सा गया यार। कुछ करना पड़ेगा भाई, फिर से ना स्टार्ट करेंगे। सो यस गाइस, मैं कह रहा था हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी व्लॉगिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से, बाइक राइडिंग। भाई मुझे ना बस थोड़ा टाइम चाहिए यार, मुझे ना बस कुछ टाइम और कुछ रिसोर्स की ज़रूरत है, उसके बाद है ना हम भी यहाँ का सिस्टम फाड़ने वाले हैं। जल्दी लाएंगे, मुझे ना बहुत लोग पूछ रहे थे लास्ट ब्लॉक के बाद कि यस भाई मैं लाऊंगा बहुत जल्दी, वो भी खुद। वापस ही बहुत फास्ट आया यार, हम लिटरली पहुंच चुके हैं अपन वापस से चेक पोस्ट, और मैं सोच रहा हूँ थोड़ी राइड कर लेते हैं, थोड़ा आगे तक जाते हैं। बस पेट्रोल का डर हो रहा है, पेट्रोल वगैरह कहीं ख़त्म ना हो जाए। बीच रास्ते पे धक्का मारता हुआ मिला आतूब द व्लॉगर, कहाँ डालू छोड़ जाता हूँ। मुझे नीचे देखने नहीं मिला स्पीडोमीटर, बट भाई जो डर था भाई, मतलब मुझे लगा ही सीधे सामने ना ये आ चुका है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे लगा कि सीधे बम पा गए। मेरी गुलबका से आप है ना कमेंट करके बता देना कि अपन कहाँ पे आए और व्लॉग बनाने के लिए। सो लेट्स गो गाइस, अभी अपन लोग घर के पास पहुँच चुके हैं और करते हैं वीडियो को एंड। सो लेट्स गो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।